जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी चीफ के मुताबिक एलएसी पर अभी तक कम नहीं हुआ है खतरा। एमबीडीए ने पेश करी है इंडियन नेवी के लिए अपनी एक नई एंटी शिप मिसाइल। महिंद्रा डिफेंस को मिला इंडियन नेवी से एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट। 10 फरवरी से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में इंडियन एयरफोर्स डेमोंस्ट्रेट करेगी अपनी फायर पावर। और गगनयान मिशन के लिए इसरो ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया क्रायोजेनिक इंजन का क्वालिफिकेशन टेस्ट। आर्मी डे से पहले आयोजित की गई एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस 2022 को संबोधित करते हुए आज इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से काफी सारे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स देखने को मिले हैं, और जिनमें से कुछ इस प्रकार है। चीन के साथ लगने वाले नॉर्दर्न बॉर्डर्स को लेकर इंडियन आर्मी चीफ का कहना था कि खतरा अभी कम नहीं हुआ है और इसी के परिणाम स्वरूप इन बॉर्डर्स पर दोनों ही पक्षों की सेनाओं का पुनर्गठन हुआ है, और हमको जिस तरीके से सही लगेगा हम उस तरीके से चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी से डील करना जारी रखेंगे। उनका ये भी कहना था कि यथास्थिति को बदलने के चीनी प्रयासों के लिए इंडियन आर्मी की प्रतिक्रिया मजबूत रही है और हमने चीन के इन प्रयासों को विफल कर दिया है। और जबकि पिछले एक साल में करीब 25,000 एडिशनल ट्रूप्स, वेपन्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित नॉर्दर्न फ्रंट पर हमारी क्षमताओं में कई गुना वृद्धि हुई है, और अभी के समय हम पूर्वी लद्दाख में एक साल पहले की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं और आगे के रास्ते के लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हैं। बाकी चीन के साथ लंबे समय से बातचीत चल रही है और अच्छी बात है कि बातचीत अभी जारी है और इसी के परिणाम स्वरूप कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स पर समाधान हुआ है। और इंडियन आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे से बात करते रहना होगा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग के हर एक राउंड के साथ दोनों पक्षों के बीच मतभेद भी कम हो जाते हैं। और बाकी चीन के साथ चल रही बातचीत में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के इश्यूज को सॉल्व किया जाना है, और एक बार इसका समाधान हो जाने के बाद फिर हम डेपसांग और डैमचौक जैसे अन्य इश्यूज पर आगे बढ़ेंगे। और बाकी चीन के नए बॉर्डर लॉ को लेकर भी इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से साफ कहा गया है कि चीन के इस नए लॉ से बायलेटरल रिलेशंस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हम इसे इस रूप में स्वीकार भी नहीं करते हैं, और हमारे पास ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो चीन के इस नए सीमा कानून से पहले की तारीख रखते हैं, और इसलिए चीन का नया लॉ कानूनी रूप से मान्य नहीं है और न ही ये हम पर बाध्यकारी है, और बाकी हम मिलिट्री रेमिफिकेशंस को देख रहे हैं। और इंडियन आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्व लद्दाख में एक बड़े पैमाने पर चाइनीज फोर्स ही इस गतिरोध का मूल कारण है, और अभी देखा जाना बाकी है कि क्या वे वहां पर अपनी घेराबंदी करेंगे या फिर अपने ट्रूप्स की डी इंडक्शन की जिम्मेदारी समझेंगे। और सैनिकों को पीछे हटाना ही एलएसी की प्राथमिकता है, जो कि केवल डी इंडक्शन के माध्यम से ही पूरी की जा सकती है। और इंडियन आर्मी चीफ ने साफ कह दिया है कि जब तक आवश्यक हो हम तब तक पूर्व लद्दाख में तैनात रहने के लिए तैयार हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर लद्दाख में कॉन्फ्लिक्ट ही आखिरी उपाय बचता है और अगर हम इस उपाय को अपनाते हैं तो हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर चीन भारत पर युद्ध थोपने की कोशिश करेगा तो फिर उस युद्ध में निश्चित रूप से भारत ही विजयी होगा। और इंडियन आर्मी चीफ का कहना था कि हमने भी इस क्राइसिस का इस्तेमाल अपने बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने, सैद्धांतिक समीक्षा करने और आपातकालीन और फास्ट ट्रैक खरीद के माध्यम से अपनी ऑपरेशनल वॉइड्स यानी कि अपनी परिचालन संबंधी खामियों को दूर करने के लिए इसे अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है। बाकी इंडियन आर्मी चीफ के मुताबिक एलएसी के कई विवादित जगहों पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी डीएस्केलेशन यानी कि सैनिकों की संख्या कम करना और डी इंडक्शन यानी कि चीनी सैनिकों का उनके गैरिसन में वापस जाना बाकी है। और जब तक कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पूरी तरीके से नहीं सुलझता है तब तक एलएसी पर विवाद होते रहेंगे। आज एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी चीफ ने एलओसी की स्थिति को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जैसे कि उनका कहना था कि एलओसी की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार देखा गया है, लेकिन अभी भी सीमा के पार लॉन्च पैड्स और घुसपैठ की कोशिशों में आतंकियों का जमावड़ा बना हुआ है, जो कि एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को उजागर करता है। और इंडियन आर्मी चीफ ने भी बताया है कि पीओके में पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड में करीब 350 से 400 के आसपास आतंकी अभी भी मौजूद हैं, और इसलिए खतरा अभी टला नहीं है और इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जबकि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि हम सियाचिन में डीमिलिटराइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए एक पूर्व शर्त यह है कि पाकिस्तान को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को स्वीकार करना होगा। और इंडियन आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि सियाचिन वाला जो पूरा मामला है वो पाकिस्तान की ही एक तरफा कोशिशों के कारण हुआ है। और बाकी एलओसी पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल पर सीज फायर एग्रीमेंट साइंड हुआ था, तो इस एग्रीमेंट के बाद से एलओसी पर सुधार देखा गया है और दो घटनाओं को छोड़कर फिलहाल अभी तक एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि सीमा के बाहर जो पाकिस्तान ने करीब 350 से 400 आतंकी जमा कर रखे हैं वो जरूर से एक बड़ा खतरा है। हालांकि वो बात अलग है कि हमें इस बात पर पूरा भरोसा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो सीमा के पास जो ये 350-400 सूमर इकट्ठा हुए हैं तो उनका सोपड़ा साफ करने में इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्यादा समय नहीं लगेगा। और बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि जैसा तय था उसके अनुसार आज भारत और चीन के बीच 14th कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग कंडक्ट की गई है, और आज की इस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला है
तो फिलहाल अभी जैसे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। तो जैसे ही कोई इस पर स्टेटमेंट आती है तो अगले डिफेंस अपडेट के माध्यम से इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ब्रिटिश कंपनी अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स को महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के पार्टनरशिप के साथ इंडियन नेवी के सिलेक्टेड फ्रंटलाइन वॉरशिप्स के लिए इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट यानी कि IADS प्रोग्राम का मेजर कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है करीब 60 मिलियन पाउंड्स और इसके तहत जो इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट सप्लाई किए जाएंगे तो उनकी डिलीवरी 2024 से स्टार्ट होगी और 2030 तक उन्हें कंप्लीट कर लिया जाएगा। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि उनका ये इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं IADS, तो इंडियन नेवी को एक पावरफुल मल्टी सेंसर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और जबकि महिंद्रा डिफेंस एंड महिंद्रा एरोस्पेस के चेयरमैन मिस्टर SP शुक्ला का कहना था कि IADS अंडर वाटर डिटेक्शन और अंडर वाटर थ्रेट से प्रोटेक्शन के लिए इंडियन नेवी की तरफ से किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दिया गया पहला मेजर कॉन्ट्रैक्ट है और महिंद्रा डिफेंस इन सिस्टम्स को अल्ट्रा ग्रुप के पार्टनरशिप के साथ इंडियन नेवी के लिए डिलीवर करेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि MNIT जयपुर और इंडियन एयरफोर्स के बीच अपनी तरह का पहला रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक MOU साइंड हुआ है। और बाकी एक अपडेट आपको ये भी दे दें कि MBDA की तरफ से इंडियन नेवी के लिए उनकी नई लॉन्ग रेंज की एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का ऑफर पेश किया गया है और इस मिसाइल का नाम है TCO-MK2E, जिसको लेकर कंपनी दावा करती है कि इसकी रेंज है करीब 350 किलोमीटर यानी कि 350 किलोमीटर और ये एक लैंड अटैक कैपेबिलिटी के साथ भी आती है। भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल पर 19 से 21 जनवरी तक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल लॉन्च के लिए एक एरिया वार्निंग जारी की गई है और संभावना है कि इस दौरान DRDO या तो ब्रह्मोस या फिर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल यानी कि अपने HSTDV का भी टेस्ट कंडक्ट कर सकती है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि ये केवल एक अनुमान है, लेकिन आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं कि मान लीजिए अगर DRDO आपसे कभी ऐसे पूछ ले कि मित्रों बताओ अब आप कौन सा वेपन का परीक्षण देखना चाहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा। और आप इसका जवाब सोचिए, तब तक हम आपको आगे का अपडेट देते हैं। तो आपको बता दें कि अगले महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 फरवरी से इंडियन एयरफोर्स पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में वायु शक्ति 2022 युद्ध अभ्यास को शुरू करेगी और इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर का डेमोंस्ट्रेशन होगा। और ये भी बता दें कि ये डे एंड नाइट वॉर एक्सरसाइज है यानी कि दिन और रात दोनों ही तरह की स्थिति में कंडक्ट होगी और सोर्सेज के मुताबिक इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के करीब 150 अलग अलग एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें Sukhoi Su-30 MKI, मिराज 2000, रफाल, जैगवार, MiG-21 Bison, LCA तेजस, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, UAVs, हाईटेक अवॉक्स एयरक्राफ्ट और ऐसी 150 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस दौरान मॉडर्न वॉरफेयर के खतरों से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं पर फोकस किया जाएगा, अंग्रेजी में बोले तो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। और आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के इस तरीके से फायर पावर डेमोंस्ट्रेशन का ये दूसरा एडिशन है और इस वायु शक्ति एक्सरसाइज का पहला एडिशन 2019 में आयोजित किया गया था और जिसमें 140 से अधिक एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। और आपको ये भी बता दें कि इस तरह की एक्सरसाइज 3 साल में एक बार आयोजित की जाती है। और बाकी हमारे पड़ोसी के लिए भी चेतावनी है कि 10 फरवरी को अगर आसमान में बहुत जोर की आवाज़ सुनाई दे तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है और हमारे इस डिफेंस अपडेट को याद करना है कि हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है क्योंकि जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी वो जगह भारत पाकिस्तान सीमा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने गगनयान प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के क्वालिफिकेशन टेस्ट को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है और ये जो टेस्ट है ये तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी कि IPRC में कंडक्ट किया गया था और इस दौरान इंजन को 720 सेकंड की ड्यूरेशन तक टेस्ट किया गया। और इसरो के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस टेस्ट के दौरान इस इंजन ने सभी टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और आज जो इसका सक्सेसफुल लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट हुआ है ये निश्चित रूप से भारत के मैन्ड स्पेस प्रोग्राम गगनयान के लिए एक मेजर माइलस्टोन है जो कि गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन की रिलायबिलिटी को सुनिश्चित करता है। और बाकी इसरो की तरफ से बताया गया कि इस इंजन के आगे भी कुछ और टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और जिसमें एक और इंजन को 2 शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट से गुजारा जाएगा और जबकि एक को लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट से, ताकि एक क्रायोजेनिक इंजन गगनयान प्रोग्राम के लिए अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सके। इसके अलावा अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी आज जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। और जैसे इस पर कोई अपडेट आता है तो हमारे अगले डिफेंस अपडेट में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको उसकी जानकारी तुरंत ही चाहिए तो फिर उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जाते जाते आपको आज एक और जोक सुनाते हुए जाते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद ना आए तो भी लाइक कर देना। तो वो जोक ये है कि दुनिया भर से कर्जा ले चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भारत से कहीं ज्यादा बेहतर है। और बाकी इसी जोक ऑफ द डे के साथ अब समय हो गया है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज के दिन सन 2000 में
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित आर्मी बेस पर हुए एक आतंकी हमले के दौरान अपने दम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए इंडियन आर्मी के मेजर एम सी मुदाना वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।